तिजारा के टेहली गांव में फायरिंग के चल रहे फरार आरोपियों को तिजारा पुलिस पकड़ने गई तो गांव में पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी के पिता रामलाल गुर्जर ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी तक फाड़ डाली। थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि 20 मई को दो गुटों में झगड़ा हुआ था और फायरिंग चली थी। एक प्रकरण में 307 का मुलजिम टेहली गांव में है और उसकी सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस से दबिश देने के लिए प्रातःकाल वहां गई थी जी। तो उस सूचना की तस्दीक के दौरान इस अपराधी ने अपने बेटे को घर में तलाशी नहीं लेने दी और पुलिस के साथ इसने हाथापाई करी, तो इसके खिलाफ जो मुजाहमत का केस दर्ज किया गया और इसको गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने एक आरोपी बलजीत को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी विक्रम कुलदीप कमलेश गुर्जर मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके गांव पहुंची तो घर पहुंचने पर उसके पिता ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया है।